नितिन चंचोरिया जी को मंच पर बुलाना चाहूंगा। मंच पे विराजमान मेजर गौरव आर्य जी, पांडे जी भाई साहब, यहाँ पर उपस्थित सभी श्रोतागण भाइयों बहनों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं बहुत इंग्लिश और हिंदी मिला के बोलूँगा क्योंकि कॉर्पोरेट में होने की वजह से मुझे बहुत क्लियर हिंदी में बात करना शायद मुश्किल है मेरे लिए, पर मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं इस विषय पे बोल पाऊँगा क्योंकि ज़्यादा समय भी नहीं लूँगा। मेजर आर्या जी को सुनने के लिए आप लोग उत्सुक होंगे, पर मैं अपने विचार ज़रूर रखना चाहूँगा क्योंकि जैसा संघ का कार्य जो कार्य करते रहता है, हम लोग भी तरीके से अपने यहाँ पर रिलायंस ग्रुप के माध्यम से, फाउंडेशन के माध्यम से जन उत्थान के लिए, जो वंचित वर्ग है उसके लिए अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं। और हमारे यहाँ से भी जो डायरेक्शन रहता है ऊपर से, वो ये रहता है कि किसी भी स्थिति, आपदा स्थिति हो, चाहे वो उत्तराखंड में त्रासदी आई हो, चाहे बाढ़ आई हो, चाहे भूकंप आया हो, चाहे जैसे स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता, स्वयंसेवक आपको सब जगह देखने को मिलेंगे, ऐसी स्थिति में आपको साथ साथ में रिलायंस के प्रतिनिधि, रिलायंस की टीम, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम भी इस तरीके की विपदाओं में हमेशा साथ में खड़ी हुई दिखेगी। तो चूँकि राष्ट्र तो सबका ही है, उसमें कॉरपोरेट और एक संस्था में कोई बहुत ज़्यादा भेद तो नहीं, हम सभी का देश है, हम सभी। तो जहाँ तक रहा सवाल, विषय बड़ा अच्छा लगा मुझे जब मैंने इनवाइट देखा कि भारत कल, आज और कल, तो मैं अपनी जो समझ है वो साझा करता हूँ आपके साथ कि भारत की मिट्टी में या भारत का जो विचार है वो क्या है। तो जो मेरी समझ है, भारत का विचार ये है कि हमारे यहाँ पर जो जीवन शैली की पूरी परिकल्पना रही पुरातन काल, जितना मैंने पढ़ा लिखा सुना समझा, तो मुझे समझ में आया कि हमारे जीवन का उद्देश्य मोक्ष को माना है। तो अगर आपने मानव जन्म लिया है तो आपके कार्य ऐसा होना चाहिए कि आप मोक्षकारक हो। मोक्षकारक क्या है? मोक्षकारक ये है कि राग, द्वेष, क्रोध, मोह, इन सबसे रहित जीवन, इनमें आसक्ति ना आए, अनासक्त हो जाए आप इसमें। और अगर आप ऐसा जीवन व्यतीत करते हैं तो कुछ समय में आप इस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। तो जीवन का जो मूल है वो अनासक्ति पर ध्यान है। तो अब ये बात बड़ी अध्यात्मिक क्या, धार्मिक क्या वैसी लग सकती है, लेकिन चूंकि मैं मैनेजमेंट में रहा हूँ इतने सालों, प्रबंधन का कार्य करता हूँ, मुझे बड़ी उपयुक्त लगती है बात और बड़ी व्यवहारिक भी लगती है। मैं बताता हूँ कैसे, कि जब भी आप फोकस्ड होते हैं, कोई रिजल्ट फोकस्ड होते हैं, तो आसक्ति होती है आपको किसी उसे प्राप्त करने की, तो आपका ध्यान, आपकी ऊर्जा 100% नहीं लग सकती उस कार्य करने में। मान के चले कि आप किसी इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं और आपका मन में विचार यही चल रहा है कि मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, रिजल्ट ऐसा हुआ तो क्या होगा, वो मुझसे ज़्यादा अच्छा कर रहा है, तो अगर आप इन सब में आपका दिमाग रहेगा तो आपकी एफिशिएंसी जो है वो रिड्यूस हो गई, कई बार 10-20% पे भी आ जाती है। और जितना आप इससे मुक्त रहेंगे उतनी आपके पास बैंडविड्थ ज़्यादा काम करने की, मेहनत करने की। तो कम से कम आपको रिजल्ट क्या आएगा तो मुझे नहीं पता, पर आपकी क्षमता का पूरा उपयोग आप कर सकते हैं अगर आपको ये डिस्टिंक्शन आ जाए कि भाई हमारी जो भारत की जीवन शैली है उसको अडॉप्ट कर लेने से हम ज़्यादा इजीली किसी गोल को अचीव कर सकते हैं। अच्छा, बड़ी विचित्र बात है कि हम 99% ना अभी प्रोग्राम से चलते हैं। इंसान जो है 99% एक प्रोग्राम से चलता है, 1% ऐसा होता है कि जब हम कॉन्शियसली कुछ डिसाइड कर पाते हैं। और प्रोग्राम कैसे बनता है? हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, हमने जहाँ पर पढ़ाई लिखाई, हमारे टीचर ने हमको सिखाया, घर में जैसा वातावरण था, इन सब चीज़ों से एक प्रोग्राम बन जाता है। और उस प्रोग्राम से बनता है हमारी प्रतिक्रिया कि अगर किसी ने हमसे तेज बोला तो हम उसको कैसा जवाब देंगे, कि हमसे प्यार से बात करी तो हमको कैसे जवाब देंगे, अगर कुछ ऐसा घटित हो गया तो।
तो ये प्रतिक्रिया और ये जो प्रोग्राम है इनके हिसाब से हम अपने जीवन को जीते हैं। इवेंचुअली क्या होता है कि जो भी आउटकम होता है आपकी ज़िंदगी में, तो वो आउटकम को आप भले कह दो कि मैंने एफर्ट डाला, लेकिन आपने प्रोग्राम पे काम किया नहीं किया, या आपको पता है कि ये प्रोग्राम ठीक चल रहा है आपके साथ कि नहीं। क्योंकि हमारे पूरे शरीर में सबसे आलसी जो हिस्सा है शरीर का वो दिमाग है। दिमाग को रिपीटेड कोई भी चीज़ आप जब दोगे तो उसको कोशिश होगी कि वो सबकॉन्शियस में डाल लेगा, वो उसको हैबिट बना लेगा, वो ज़्यादा लोड नहीं लेता, प्रोसेसिंग बार बार करना पसंद नहीं है दिमाग को। तो ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो अगर आपने कोई भी गलत प्रोग्राम को रिपीटेडली अडॉप्ट किया तो वो आपका हैबिट में चला जाएगा, हैबिट चला जाएगा तो फिर वो आपका आउटकम भी उस पर निर्धारण उसके हिसाब से होगा। तो मैं चूंकि यहाँ पर युवा वर्ग बहुत है और मैं ये जो बात कर रहा हूँ अपने अनुभव से बात कर रहा हूँ, प्रोग्राम आप आइडेंटिफाई कर लो कौन सा चला रहा है और उसको रिपीटेडली अगर आप उसको अडॉप्ट करोगे तो मुझे आउटकम तो बहुत ज्यादा नहीं पता आउटकम क्या होगा, आउटकम में बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन आपकी जो पोटेंशियल है, आपकी जो क्षमता है, उस क्षमता का अधिक से अधिक पार्ट आप इस्तेमाल कर पाओ। तो एक भारत के दृष्टिकोण से ही मैं बात कर रहा हूं कि भारत की मिट्टी में ये है, ये जीवन शैली हमारे भारत की मिट्टी में है। दूसरा क्या है, ये लैंड ऑफ सीकर्स है, भारत में लैंड ऑफ सीकर्स। यहाँ पर अगर आप पुरातन टेक्स्ट कोई भी आप जाएंगे तो वहाँ क्वेश्चन एंड आंसर है, मतलब ऐसा नहीं है कि डिस्कोर्स है कि भाई हमने बात करना, वहाँ क्वेश्चन आंसर है। मैं कहते हैं शिव पुराण में पार्वती जी शिव जी से ऐसे ऐसे प्रश्न पूछती हैं कि वो इरिटेट कैसे नहीं होते, यही बड़ी बात है। तो पूरा का पूरा जो व्याख्यान है उसमें वो प्रश्न और उत्तर में है, तो यहाँ प्रश्न का बड़ा महत्व है। यहाँ ऐसा नहीं है कि फाइनल हो गया, लैंड ऑफ सीकर का मतलब है कि आप अपना उत्तर स्वयं ढूंढ सकते हैं, आपको फ्रीडम है। तो ये और ये हमारे इथोस में है, हमारी मिट्टी में है, ये हमको हमारे डीएनए में मिला है। और भारत जो इतने साल गुलामी में रहने के बाद जो रह पाया, जो सस्टेन कर पाया जहाँ पर वो है, ये हमारे डीएनए की वजह से है, ये हमारी मिट्टी में जो चीज़ें हैं उनकी वजह से। और मुझे लगता है कि बहुत हम अपनी वो गुलामी की जो बेड़ियां हैं वो काट रहे हैं, मतलब फिजिकली तो शायद 1947 में हो गया था, पर मानसिक गुलामी भी बड़ी चीज़ होती है, बिकॉज इट टेक्स टाइम फॉर योर माइंड टू कम आउट ऑफ इट। सो आई थिंक हम आज उस स्टेज में हैं कि जहां पर विश्व मंच पे हमारी स्वीकार्यता अद्भुत है। आज हमारे यहाँ के डॉक्टर्स या हमारे यहाँ के प्रोफेशनल्स, आईटी प्रोफेशनल्स की बड़ी वैल्यू है और उनके लिए सरकारें अपने रूल्स बेंड करने के लिए भी तैयार हैं। आज आप किसी, मैं विदेशों में कई देशों में गया हूँ, तो जिस तरीके से वो हमको एज इंडियन देखते हैं वो सम्मान दिखता है, वो रिस्पेक्ट दिखती है। तो अब ये बड़ा महत्वपूर्ण, हम उससे बाहर निकल रहे हैं, लेकिन जो पुरातन काल से हमारा वे ऑफ लाइफ है, हमारी जीवन पद्धति है, जो हम जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे की वर्ण व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था में क्या है कि आप पहले ब्रह्मचर्य, फिर उसके बाद आप गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास, यही चार स्टेजेस हैं। अब इन स्टेजेस का बड़ा महत्व है अगर, और बड़ी प्रैक्टिकल है आज के ज़माने में। मैं काफ़ी लोग होंगे यहाँ पर जो 50-60 वर्ष की अवस्था के होंगे, अल्टीमेटली एक टाइम आता है कि उसके बाद आप जो भी अर्जन करोगे, वट एवर मनी यू विल मेक आफ्टर अ सर्टेन स्टेज, यू विल नॉट बी एबल टू यूज इट। तो अगर आप उसके बाद भी अगर काम कर रहे हो, क्योंकि आप काम करते आए हो और आपको काम करने की आदत है, तो आप वेस्ट रिसोर्स क्रिएट कर रहे हो कंट्री पे, एक्चुअली आप बर्डन क्रिएट कर रहे हो और अपने परिवार के लिए भी, क्योंकि इट विल बिकम मैटर ऑफ डिस्प्यूट, इट मे बिकम, इट विल, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो स्व अर्जित होता है उसकी वैल्यू अलग होती है, और जो प्राप्त होता है उसकी वैल्यू अलग होती है, और जो प्राप्त होता है उस पर झगड़े होते ही होते हैं। जो आपका राइटफुली अर्नड नहीं होता उस पर अमूमन झगड़े होते ही होते हैं। तो मेरा ये कहना है कि समाज ने आपको दिया, एक स्टेज के बाद आप डिसाइड कर सकते हो 50 की उम्र में, 55, जब आपको ऊर्जा अभी बाकी है टू गिव बैक टू सोसाइटी। अब होता क्या है कि जो ये इम्बैलेंस है
फिनेंशियल इम्बैलेंस है कि कुछ लोगों के पास ज्यादा है, कुछ लोगों के पास कम है, और ये जो गरीबी भी क्रिएट होती है वो इसलिए क्रिएट होती है कि जो रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइजेशन बैलेंस्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। मैं कोई कम्युनिस्ट थॉट प्रोसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक थॉट प्रोसेस की बात कर रहा हूँ कि ऐसा कोई भी एसेट आपके पास है जिसको आप इस्तेमाल नहीं करते तो आप देश के ऊपर बर्डन बना रहे हैं। अगर आपके पास चार मकान है और वो चार मकान में कोई भी नहीं रहता, तो किन्हीं चार लोगों को वो मकान के लिए आप रिसोर्सेज जुटाकर एक बिल्डर को पुश करके वो चार मकान एक्स्ट्रा बनवाने होंगे तब उसकी तो नीड फुलफिल होने के लिए एसेट अवेलेबल है, लेकिन लेकिन वो फिजिकली अवेलेबल नहीं है। अगर एक अर्थमेटिक की बात करें, अगर केवल एक्सेल शीट की बात करें कि इतने होने चाहिए, 1000 घर होने चाहिए, 1000 लोगों को आवश्यकता, 1000 घर है, 500 उपलब्ध नहीं, तो एक्स्ट्रा बर्डन बना। और ये बर्डन आता कहां से? ये प्रकृति से आता है। हमारी हम जो भी क्रिएट कर रहे हैं हम खोद ही रहे ना कहीं से। अगर हम बिजली भी जला रहे हैं हम खोद ही रहे ना, कोयला खोद रहे हैं कहीं से, तभी तो ये बिजली जल रही है। तो अल्टीमेटली सब कुछ हम जीवन में जितना हम ज्यादा कंजम्पशन करते हैं एट द कॉस्ट ऑफ नेचर होता है। तो हम अगर इस बैलेंस को अपने देश के लिए एटलीस्ट हम इस बैलेंस को समझ पाए कि हम वो चीज जिस चीज को हम उपयोग कर सकते हैं, आप करोड़ों हजारों करोड़ की इंडस्ट्री लगाइए, लेकिन अगर आप रोजगार उत्पन्न कर सकते हो, लोगों को एंगेज कर सकते हो, हजारों एकड़ जमीन पे अगर आप लोग लीजिए, लेकिन अब हजारों एकड़ जमीन लेकर अनयूज्ड है, या हजारों करोड़ रुपया किसी के कहीं रखा हुआ वो अनयूज्ड है, इट इज अ बर्डन ऑन गवर्नमेंट, इट इज अ बर्डन ऑन द कंट्री। आज हम उस स्टेज में है, हमारा देश उस स्थिति में है कि हम फाइनेंशियली ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग मे बी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी और फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन शॉर्ट टाइम। तो ये वो समय है जब हम एज सिटीजन, हम एज स्वयंसेवक इस बात को रियलाइज करें कि हम अपने कंजम्पशन को आवश्यकता अनुसार रखेंगे। होर्डिंग जितनी कम से कम होगी उतना देश की प्रगति में हमारा योगदान होगा, डायरेक्ट नहीं पर इनडायरेक्ट योगदान तो डेफिनेटली होगा। तो इस बात को हम डेफिनेटली अपने मन में रख सकते हैं। मेरे ख्याल से मैंने पर्याप्त समय ले लिया, बातें तो बहुत सारी है मेरे पास करने के लिए, इस दिशा में सोचता रहता हूँ, अच्छा लगता है, बातें भी करता रहता हूँ। आप लोगों के समय के लिए धन्यवाद, और आपने ये मौका मुझे दिया, इतना महत्वपूर्ण मंच मुझे बोलने के लिए और मुझे सुनने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।